गुड मॉर्निंग। आज हम चलेंगे 1.3 द आर्किटेक्चर ऑफ सेल। हम चलेंगे 1.3 द आर्किटेक्चर ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के। एंड दे आर अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। वो क्या है बेसिक फंक्शन? हमने कल ही पढ़ा था उसमें क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो, मतलब अपना बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर है जो किसका बना हुआ है, सेल्स का। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के। वो हम कल ही देख चुके हैं। जस्ट लाइक द एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। एटम भी किसी सब केमिकल कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है? फंडामेंटल। जो भी एटम्स है, एटम है वो क्या है? केमिकल्स के, केमिकल्स कंपोजिशन के क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी जितना भी केमिकल कंपाउंड, केमिकल स्ट्रक्चर है वो किसके बने हुए? एटम के बने हुए ना। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो सब भी क्या है? एटम बोला जाता है। तो जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर है वो उसका बेसिक क्या है? एटम है। क्या है? एटम। दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस फॉर द सेल थियरी पर्पज बाय द एमजे एमजे स्केल्टन एंड टी स्क्वेन इन द 1838-39। यानी जितनी भी सेल थियरी है, सेल थियरी है वो किसने दी थी? वो दी गई थी 1838-39 के अंदर दो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था एमजे गैलेटन एंड टी स्क्वेन। साइंटिस्ट के नाम बहुत टफ होते हैं, याद रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम देखेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ सेल, सेल का आर्किटेक्चर क्या है। तो हमने देखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है ना, सेल के बने हुए ना अपने लोग। क्या है फंडामेंटल यूनिट? क्या है बेसिक यूनिट? जैसे बेसिक यूनिट केमिकल कंपाउंड का क्या है? एटम है। केमिकल कंपाउंड जितने भी है उसका बेसिक क्या है? एटम। जैसा अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? सेल है। ये मोस्ट टाइम ये केमिकल का बेसिक स्ट्रक्चर एटम से बना है, और अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे बना हुआ है? सेल से। यानी अपना बेसिक स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है, और केमिकल स्ट्रक्चर का किससे बना है? एटम से। अब इस तरह सेल थियोरी किसी ने 1838-39 के अंदर दो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था एजे स्केल्डन एंड टी स्क्वेन। इन्होंने सेल थियोरी पूरी अपनों को डिनोट की थी। दे कंक्लूड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल्स। इन्होंने बताया था जितने भी प्लांट और एनिमल है वो इंडिविजुअल्स है, मतलब उन लोग के अलग अलग सेल्स है। प्लांट के अलग सेल और एनिमल्स के अलग सेल, जो पूरे किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यही सेम सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी उन्होंने पाए गए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो भी किसके बने हुए? सेल्स के बने हुए। जो प्लांट और एनिमल इंडिविजुअल सेल बने, वैसे ये भी इंडिविजुअल सेल्स के बने। सम ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, कौन से ऑर्गेनिज्म? जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वो क्या है? यूनिसेलुलर। मोस्ट टाइम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ।
सेलुलर। हम आगे पढ़ चुके थे कि यूनिक सेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है, जिसके अंदर एक ही सेल पाया हुआ है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हुए उसको क्या बोला जाता है, यूनिक सेलुलर, और जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए उसको मल्टी सेलुलर बोला जाता है सॉरी। अब ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेल्युलर, ऐसा एग्जांपल दिया वो भी सम ऑर्गेनिज्म द बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर व्हाइल अदर इज द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर, बाकी दूसरे जितने भी है वो कैसे है मल्टी सेल्युलर, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगी मल्टी सेल्युलर, मतलब एक से ज्यादा सेल पाएगा उसके अंदर। लाइक फंगी प्लांट्स एंड एनिमल दिया गया है, तो फंगी प्लांट्स और एनिमल वो क्या है मल्टी सेलुलर, क्या है मल्टी सेलुलर, यानी जितने भी फंगी प्लांट्स एनिमल्स है वो कैसे बने हुए हैं मल्टी सेल्युलर, ये सारी क्या है मल्टी सेल्युलर। फंगी आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, फंगी किससे है इंडिविजुअल सेल्स से बनी है जो सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने भी उसके अंदर सेल्स है वो सब सेम स्ट्रक्चर है उसके अंदर, व्हाइल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो फंगी जितने भी फंगी के जो भी सेल्स है ना मल्टी सेल वो कैसे सब एक ही टाइप के हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के क्या है डिफरेंट टाइप के, क्या है इनके डिफरेंट टाइप के सेल, जब इसके अंदर क्या है सिमिलर सेल है, फंगी के अंदर जो एक सेल होगा ऐसे ही बहुत सारे होंगे, जितने भी सेल्स है वो सिमिलर सेल्स है, जो जैसा होगा वो एक सेल होगा वैसे ही सब सेल, इसलिए हम लोग फंगी के सब सेम दिखती है, तो इसके जितने भी सेल्स है वो कैसे सिमिलर सेल्स है, लेकिन प्लांट और एनिमल के सेल क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेल्युलर और तो मल्टी सेल्युलर, यानी वही यूनिसेल्युलर होगी या तो फिर मल्टी सेल्युलर होगी, सो सेवर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर एंड मेनी इवेंट इन देम आर कैरिड आउट ऑफ द सिमिलर फैशन, लेट अस फर्स्ट क्लासिफाई सेल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज एंड देन डिस्क्राइब अ कॉमन स्ट्रक्चर फीचर प्रेजेंस इन डिफरेंट सेल, यानी पहले क्लासिफाई क्या हुआ था सेल टाइप, कैसे सेल टाइप है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, दो टाइप है वो क्या है बेसिस ऑफ सम मेजर प्रॉपर्टीज बताते थे और डिस्क्राइब कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर से सबके फीचर्स प्रेजेंस इन डिफरेंट सेल, यानी अलग अलग सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं कॉमन आते हैं, कैसे आते हैं कॉमन आते हैं।